हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुछ पल व्लॉग। और सगाई छिड़ जाने के बाद सभी लोग जा रहे हैं घर, वहाँ पर भी कुछ रिचुअल होना है। यहाँ आप देख सकते हैं सारे के सारे लोग वापस घर लौटते हुए, और इनकी सारी मित्र मंडली चल रही है इनके साथ सामान उठाकर, और ये खुद भी ले जा रहे हैं अपना सामान जो भी ने सगाई में अभी मिला है। यहाँ पापा जी के साथ फ़ोटो कराते हुए, और यहाँ पापा ससुर भी फ़ोटो खिंचवाते हुए ब्लेसिंग के साथ, और डीजे वाले बाबू ने ले लिए हैं अपने शगुन के पैसे। बाकी चल रहे हैं सारे लोग घर की ओर स्माइल करते हुए। वेल, आप देख सकते हैं ये हल्की हल्की इनकी मुस्कुराहट, हाय क्या कहने, नज़र ना लगे कभी किसी की। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, सगाई छड़ने के बाद वापस कुछ प्रोग्राम जो है वो घर पर जाकर भी होना है, लगन वगैरह का। तो इनके कुछ फ्रेंड जो काफ़ी दूर से, इवन नोएडा गाजियाबाद से इनके काफ़ी फ्रेंड्स गए थे, वो काफ़ी लेट टाइम तक पहुंचे थे, तो सबके साथ ये फ़ोटो खिंचवाते हुए यहाँ। मेरा ओपिनियन ये है कि इंसान सिंप्लिसिटी में ज़्यादा डिसेंट लगते हैं, और आप बताएं आपका ओपिनियन क्या कहता है। सिंप्लिसिटी इज़ मच बेटर देन एवरीथिंग। यहाँ देख सकते हैं बारात घर से तो वापस आ गए हैं, और कुछ बच्चों की फ़ौज इनके साथ लग गई है, जैसे कि आते हुए में भी थी और अब जाते हुए में भी इनके साथ बच्चों की फ़ौज लगी हुई है। बाकी सब फ्रेंड सर्कल है इनका, ये भी पता है मुझे इनका ये फ्रेंड सर्कल इन्हें छेड़ रहा होगा चलते टाइम भी, क्योंकि इन सारी पलटन से मैं आधे ज़्यादा से मिल चुकी हूँ, और वो बड़ी खिंचाई करते हैं सबकी। गाइस, जिसने भी मेरी शादी मिस की होगी वो अब डिसअपॉइंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं एक एक छोटे छोटे पल से भी उन्हें रूबरू कराऊंगी, ताकि उनकी लाइफ टाइम फॉरएवर मेमोरी बन सके। हम लोगों के लिए लाइफ टाइम फॉरएवर मेमोरी है ही, इवन जो भी लोग देखना चाहते हैं आगे भी वो इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये 100 मीटर का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लंबा लगता है जब बहुत सारे लोगों के साथ आ रहे हो, बट अकेले आ रहे हो तो मैं तो भाग के बहुत जाती हूँ जब भी मुझे जाना होता है वहाँ वेंकट हॉल में। तो मेरे लिए तो बहुत, क्योंकि मेरी थोड़ी स्पीड भी तेज़ है चलने की, मैं बाकी बहुत स्लो मोशन में नहीं चल पाती हूँ। वीडियो के माध्यम से आपसे काफ़ी सारी बातें हो जाती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है आप सभी लोग मेरा परिवार ही हैं, मेरा यूट्यूब फैमिली हो आप सब। तो गाइज, ये अपनी पूरी पलटन को लेकर कर रहे हैं एंट्री, और यहाँ आप देख सकते हैं एंट्री के साथ ही इनके फेस पे स्माइल आते हुए, यहाँ पर सारे के सारे फ्रेंड इनके साथ। पहले कुछ पानी डालने की रस्म होती है दरवाजे पे, ताकि तभी एंटर किया जाता है। यहाँ हो चुकी है, और अब यहाँ पर जो भी अपना सगुन का सामान होता है वो माँ को या जितने भी बड़े लोग होते हैं उनको दिया जाता है। आपके जितने भी मान होंगे उनको वो शगुन का सामान दिया जाएगा। हमारे घर की सबसे बड़ी बुज़ुर्ग, उनको दिलवाया गया है ये शगुन का सामान। उसके बाद वन बाय वन सबको ये गोदी में दिया जाता है, गोद से माथे से लगाकर उनके पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है। पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो ये सारे रिचुअल अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप से होते हैं। जैसे जैसे आप स्टेट वाइज बढ़ते जाएंगे तो ये रिचुअल अलग होते जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि मम्मी को शगुन का सामान ये देते हुए और मम्मी से आशीर्वाद लेते हुए, कोई यहाँ कंपनी दे या ना दे, अन्ना पूरी कंपनी दे रहे हैं अपने चाचू को। देखिए कितना क्यूट सा फेस है ना इनका, छोटे हैं तो। यहाँ पर सारे लोग सगाई से आकर घर पर बैठ गए हैं, क्योंकि सगाई के बाद भी लगन की यहाँ पर रस्म पूरी होनी है। और यहाँ देख सकते हैं आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सब भी आ जाते हैं इस टाइम पर। ऐसा कि मैंने पहले भी बताया है, सारा सगुन का सामान वन बाय वन सबको माथे से लगवाया जाता है, और यहाँ पर फोटो सेशन होते हुए सारे के सारे लोग खड़े हुए हैं। अब देखिए मैं भी आ गई हूँ, बीच बीच में मैं आती रहती हूँ अपनी प्रेजेंट लगाने के लिए। सो गाइस, अब हो गया है चलने का टाइम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी या।